हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कोरा कैटीगट में आने को कहता है कैटीगट को नष्ट करने के लिए। केनूट को एक पैगाम मिलता है, वो डेनमार्क पर अटैक हुआ है। वो एम्मा से शादी करके डेनमार्क जाते हैं। कोरा उपसाला के सभी लोगों को मार देता है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर भी उसका लिंक होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइकिंग वालहाला एपिसोड 7। उसके बाद देखते हैं कैटीगट में एक नाव आती है जो उसमें एक बच्चा रो रहा होता है। सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। वो नाव कैटीगट में जाता है जहाँ रानी हॉकॉन्ग आती है और फ्रेडिस उस बच्चे को ले लेती है। वो बच्चा होता है वेद का। फ्रेडिस रानी से कहती है कि यह काम कोरा का हो सकता है। हॉकॉन्ग उसे उपसाला जाने को कहती है। इधर लंदन में देखते हैं जहाँ एडमंड को पता चलता है कि कनूट डेनमार्क गया है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि यहाँ की सत्ता अब उसके हाथों में है। तभी उसे पता चलता है कि रानी एमा की शादी हो गई है। वो शौक हो जाता है। एडमंड को राजा कनूट के पिता फॉर्कवेट दिखाई देते हैं। अब वो इंग्लैंड पर राज करेंगे। फॉर्कवेट कहते हैं कि कनूट ने तुम्हें मरवा क्यों नहीं दिया, क्योंकि एडमंड जमींदारों को संभालता है। उसके बाद राजा एमा से मिलने के लिए जाते हैं और उसे बातें करते हैं। वो कहते हैं कि कनूट नॉर्थ को कैसे संभालेगा क्योंकि तुम पर शक हो रहा है। एमा कहती है कि मैं यकीन दिलाने के लिए क्या कर सकती हूँ। इधर फ्रेडिस, लीव, हेराल्ड और लीव चारों जाते हैं उपसला को देखने के लिए। दूर से उनको दिखता है कि उपसला जल रहा है। वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो सभी लोग मारे गए होते हैं। वहाँ पर कोई नहीं जिंदा होता है। सभी लोग दो दो करके अलग अलग हो जाते हैं। इधर लंदन में देखते हैं वेकेस के जमींदार लगान कई सालों से कम दे रहा है क्योंकि उसने राजा की जान बचाई थी एट यॉर्क द फॉरवर्ड से लड़ते हुए। इसीलिए वो हमेशा कम लगान देता है, लेकिन राजा उसे मना कर देता है। वो एडमेट से मदद मांगता है, लेकिन राजा एडमेट भी मना कर देते क्योंकि वेसेक्स की सेना नहीं आई थी जब वाइकिंग लंदन पर अटैक कर रहे थे, इसीलिए वो भी हेल्प नहीं करता। यह बात राजा फॉर्कवेट को बहुत बुरा लगता है। इधर उपसला में देखते हैं जहाँ सभी लोग मर गए होते हैं, वहाँ पर कोई नहीं बच्चा होता। वो लोग ओडन की मूर्ति को भी जला दिए होते हैं। यह फ्रेडिस देखकर रोने लगती है। इधर लीफ और हेराल्ड को तीन छोटे लड़कियाँ दिखाई देती है। वो उसे लेकर फ्रेडिस के पास जाते हैं, लेकिन वो लड़कियाँ फ्रेडिस से मिलती है। उनको कोरा ने ही छोड़ा होता है मैसेज के लिए। वो कहती है कि कोरा कहता है कि कैटीगट को तबाह करेगा और फ्रेडिस का सर काटेगा क्योंकि उसके देवता ने कैटीगट को नष्ट करने के लिए। यह सुनकर वो शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर रानी के कुछ सैनिक आते हैं। वो कहते हैं कि क्यों ना कोरा को ही ढूंढ कर मार दे, लेकिन वो लोग कहते हैं कि उनकी सेना बहुत ज़्यादा है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए वो लोग उन्हें कैटीगट जाने को कहते हैं और रानी को ये सब बताने के लिए कहते हैं। ये लोग यहाँ पर इन लोगों को अंतिम संस्कार करके और जो लोग बचे हैं उनको लेकर आएंगे। इधर गॉडविन और एडमंड जा रहे होते हैं। वो हॉर्स रेसिंग कर रहे होते हैं। एडमंड एक जगह पर रुककर राजा को ठिकाने लगाने के लिए कहता है, लेकिन गॉडविन मना कर देता है। तभी राजा गॉडविन को बुलाते हैं और कहते हैं कि साता खतरे में है। वहाँ पर वेसेक्स की जमींदार आता है। वो उससे कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा था, तुमने ऐसा क्यों कहा। वो उसे चाकू मार देता है। उसके बाद वो गॉडविन के पास आता है और उसके गर्दन पर चाकू रखता है। वो कहता है कि मेरा बेटा कहता है कि तुम लॉयल्टी आदमी हो। वो हिलता नहीं है। वो राजा कहता है कि तुम बनोगे अब वेसेक्स के नए जमींदार। उसके बाद ओलाफ कोरा से मिलता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो दोस्त तो मानता है लेकिन भरोसा नहीं करता। वो उसके पास जाता है। वो लोग उसका स्वागत करते हैं। इधर हम लीव और लीफ को देखते हैं जो जा रहे होते हैं। लीव कहता है कि वो लोग हमसे एक दिन आगे हैं। वो दोनों एक जगह बैठकर विश्राम करते हैं। लीव बताता है कि वो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता क्योंकि उसके पिता बहुत ही निर्दयी थे। एक बार वो लोग बकरी के बच्चे को लेने गए, लेकिन वो आदमी उनको नहीं दिया। तभी एरिक उसके पिता उसको मार दिए और यही बात उसको बहुत ज़्यादा खलती है। लेकिन वो लीव के साथ होता है तो सब कुछ भूल जाता है। इधर लंदन में देखते हैं जहाँ एमा अपने बच्चों के साथ खेलती है। वहाँ पर गॉडविन और एडमंड आते हैं। एडमंड रानी के लिए गिफ्ट लाया होता है। रानी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ओलाफ कोरा से दोस्ती का हाथ फैलाता है। वो उसके साथ इसलिए आया क्योंकि उसे पूर्व नॉर्वे चाहिए, इसलिए कैटीगट को पाना बहुत जरूरी है। वो उसे हेल्प मांगता है। वो कोरा की मदद से कैटीगट को पर हमला कर सकता है। कोरा का मानना है कि वो उसके ईश्वर ने कैटीगट को तबाह करने के लिए कहा, इसलिए वो कैटीगट को तबाह करने के लिए जाएगा और एक बहुत बड़ा गिरजाघर उसमें बनाएगा। एक बूढ़े पैगन को रखा होता है। वो उसी से एडवाइस लेता रहता है
जब ओलाफ उसको देखता है तो शौक हो जाता है क्योंकि उसमें कोई नहीं होता, वो उसको पागल समझता है, फिर भी काम है तो हाथ मिला लेता है। ये सब लीफ और लीव देख रहे होते हैं, वो वहां से कैटगट की तरफ जाते हैं। इधर राजा एडमंड को देखते हैं जो जमींदारों के पास जाते हैं और उस राजा को हटाने के लिए कहते हैं। सभी लोग सहमति होते हैं, कोई भी वाइकिंग राजा के साथ नहीं रह सकता। सभी लोग क्वाइन देकर कहते हैं कि हम उनके साथ हैं। वो राजा कहते हैं कि ठीक है और गार्डमैन के साथ रेस लगाने लगता है। वो लोग जाते हैं, तभी राजा गिर जाते हैं, उसके पेट की हड्डी टूट जाती है। एडमंड कहता है कि वो रस्सी किसने लगाई। गॉडविन जाता है, उस रस्सी को निकाल लेता है। ये सब गॉडविन का काम होता है, वो यू क्यों कर रहा है वो हमें आगे पता चलेगा। जमींदारों राजा को गिरते हुए देखते हैं, वो लोग उसके पास आते हैं। जमींदार के आते आते गॉडविन उसके सीने में नाइफ की मदद से तिल को चीर देता है, जिससे कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। सभी जमींदार उसके पास आते हैं लेकिन राजा मर चुके होते हैं। यह खबर राजा फोर्केवेट को बताते हैं कि राजा एडमंड की मृत्यु हो गई है। सभी लोग सुनकर शौक हो जाते हैं, सबसे ज्यादा रानी दुखी होती है। इधर ये दोनों रानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ओलाफ कोरा के साथ मिल गया है, वो अपनी सेना बढ़ा रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि बगल के शहरों से हेल्प मांगे लेकिन पहले से ही वो तबाह हो चुके हैं। वो लोग युद्ध की तैयारी करने को कहते हैं। इधर एडमंड को देख रेख चल रहा होता है, तभी वहां पर रानी एमा आती है जो कहती है कि तुम लोग। उसके बाद उसकी बॉडी पर चोट के निशान देखती है, तभी एमा को काटा हुआ निशान मिलता है जो किसी ने काटा होता है। वो गुस्सा हो जाती है, गॉडविन और राजा फोर्केवेट को बुलाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि चोट लगी होगी क्योंकि एक्सीडेंट में ऐसा होता रहता है। फोर्केवेट जाने कहता है और कहता है कि मैंने ये करवाया, लेकिन रानी उसको डांटने लगती है। उसके बाद हम कैटगट में देखते हैं जहाँ युद्ध की तैयारी चल रही होती है। हेराल्ड फ्रेडी से कहता है कि मैं नहीं खो सकता तुमको क्योंकि कोरा की सेना बहुत ज्यादा। इधर लंदन में देखते हैं जहाँ फोर्केवेट अपने पोतियों से मिलता है जो कल रात अपनी माँ के साथ आए होते हैं। राजा एल्फीगिफ से मिलता है जो कहती है कि अब मैं यहाँ की रानी हूँ, लेकिन फोर्केवेट कहता है कि तुम यहाँ कभी नहीं रानी बन सकती हो क्योंकि तुम एक पेगन हो। जब ये वर्ड रानी सुनती है तो वो राजा से कहती है कि ओलाफ मेरे पास आया था, वो कैटगट पर हमला करना चाहता है। राजा कैनूट डेनमार्क गए हैं तो सेना उनकी बातों को मानती थी, इसीलिए सेना को छुपा दी। अगर ओलाफ कैटगट पर हमला कर दिया तो वो लोग संकट में आ सकते हैं क्योंकि पूरा उत्तर खतरे में आ सकता है। वो ऐसी जगह सेना छुपाई होती है जिसको मिलना मुश्किल हो। ही बैठा होता है तभी वो लड़का आता है जो उसे मारने के लिए कहता था। वो उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि लीफ ताकतवर है। लीफ समझाता है कि तुम्हारे पिता योद्धा थे, उनका नाम क्यों बदनाम कर रहे हो, वैसे ही उसे समझाता है। तभी वहाँ पे जासूस आ जाते हैं जो रानी ने भेजा होता है पता लगाने को, उन्हें मार दिया जाता है। यही देखकर कहते हैं कि उनकी सेना अभी कमजोर है, तब तक हम उन्हें मार सकते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता। सभी लोग युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद रानी एमा एल्फीग्यू से मिलती है, उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। एल्फीग्यू कहती है कि भेड़िया तुम्हारे घर में घूम रहा है, वो तुम्हारा शिकार कभी भी कर सकता है। उसके बाद रानी एमा फोर्केवेट के पास जाती है, वो परेशान होता है क्योंकि एल्फीग्यू ने सारी सेना छुपा दी होती है, उन्हें खोजने में कई हफ्ते लगेंगे लेकिन उसके पास कुछ ही घंटों का टाइम होता है। वो गुस्सा होता है क्योंकि उसे भी पता है कि कैटगट में कुछ हुआ तो पूरा उत्तर खतरे में आ जाएगा। रानी उसको एडवाइस देती है। इधर कैटगट में देखते हैं जहाँ रानी हॉकॉन किसी को आसगार्ड जाने को कहती है मदद गुहार करने के लिए। वो सभी से कहती है कि कोई है जो वहाँ पर जा सकता है मदद की गुहार लगाए। तभी एक आदमी आता है जो कहता है कि मैं जाऊँगा। रानी उसके पास जाती है और कहती है कि तुम अपनी मर्जी से जाना चाहते हो। उसे यात्रा के लिए लेकर जाते हैं। इधर लंदन में देखते हैं जहाँ गॉडविन रानी से मिलता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। वो रानी खुश हो जाती है, वो समझाता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि वो उसके पति के एडवाइजर होते हैं। रानी सोचने लगती है क्योंकि वो सबके बारे में बताता है। उसके बाद हम हारल्ड को देखते हैं जो फ्रेडिस को देख रहा होता है। वो कैटगट से बाहर निकल जाता है, ओलाफ से मिल जाता है। वो क्यों मिलता है वो हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।